हेलो गाइस, आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। कैसे हो आप सभी लोग? तो मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। और देखिए, ये मैंने लिया जीरा मसाला और ये साबुत धनिया। धनिया समझते हो ना? ये देखो, ये साबुत खड़े धनिया है। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी कढ़ाई में, फिर इसका पीस के मिश्रण बना लूँगी, मतलब इसका चूरन बना लेंगे। और फिर जैसे कचालू बनाऊंगी ना, तो उसमें भी डाल सकते हैं, या फिर साबुदाने की खिचड़ी बनाओ उसमें डाल सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि धनिया व्रत में खाते हैं तो उसको थोड़ा भून के ग्राइंड करो ना, तो क्या है कि अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैंने कुछ लाल मिर्ची भी ली है, क्योंकि लाल मिर्ची सड़ जाती है और नवरात्रि के लिए ही चाहिए था, तो मैंने थोड़ा ही लिया। और ये है इसमें साबुदाने। तो ये साबुदाने की कभी कभी खिचड़ी उचड़ी बनाऊँगी यार। ओके, तो ये है इसमें साबुदाने। और ये पूरे 5 किलो आलू। तो ये आलू का क्या है कि कभी कभी इस्तेमाल करूँगी। ये 5 किलो आलू। और ये है सेंधा नमक 2 पैकेट। ये है सेंधा नमक, और इसको व्रत में खाते हैं। जैसे व्रत के लिए कुछ भी बनाओ तो सब में काम आता है बहुत अच्छे से, जैसे कि कचालू बनाना हो या फिर व्रत में खाने वाली सब्जी बनानी हो या फिर कुछ भी बनाना हो, तो ये नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहने का मतलब है कि व्रत में खाने वाला नमक। और अब ये मिर्ची इसमें डाला हुआ है, ये भी है साबुदाने का पापड़। इसमें अपने साबुदाना पापड़, ये इसमें यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये है साबुदाना पापड़। इसमें थोड़ा मसाले भी ऐड है, जैसे मिर्ची वगैरह। और ये है